प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्हीं में से एक बिना पनकरी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना भी शामिल है। कानपुर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया, यानी पीएम मोदी ने एक साथ कई तोहफे कानपुर को दिए हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता हर्ष पांडे ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों लोग महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत वादे और दावे करते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो आज कानपुर में प्रधानमंत्री का संबोधन था उसे सुनने आई थी, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? क्या बताइए नाम आपका? नाम मेरा नाम रीता शास्त्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा। मैम, बहुत बात होती है देश में महिला सशक्तिकरण की, आप क्या लगता है आपको कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ी हैं? महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने देखा होगा मोदी जी और योगी जी ने महिलाओं को स्वावलंबी बना दिया, आप देखिए ना, और रोजगार एक दूसरे को देने लगी हैं, और स्वयं सहायता समूह के तहत अनेक योजनाओं को महिलाओं का ही लाभ मिला है ना। आज महिलाएं जितनी शक्ति दिख रही है, कभी महिलाएं क्या ऐसे निकलती थी? बेधड़क महिलाएं रात बिरात आ जा सकती है। आपने अभी देखा होगा इलाहाबाद का संगम, कानपुर में धरती पे आपने देख लिया महिलाओं शक्ति की 50% की आबादी, लाखों की संख्या में यहाँ महिलाएं थी, और महिलाएं लगातार निरंतर 50% की आबादी के लिए योगी जी और मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन सिंह पलक है, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ कानपुर में महिला मोर्चा में। एक समय में लोगों की एक सोच थी कि महिलाएं बस घर के दायरे के अंदर रहे, अब चूंकि ये सोच आगे बढ़ रही है, क्या आपका कहना है? लेकिन उस सोच को हमारी योगी मोदी ने बदल लिया है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि राशन कार्ड में पहले पुरुष प्रधान का नाम लिखा जाता था, आज पुरुष का नाम हटके महिला का नाम आ गया है। स्कूलों में माताओं का भी नाम दिया जा रहा है, जितने भी श्रम कार्ड, ये कार्ड, ई कार्ड जितने भी बन रहे हैं महिलाओं के लिए बन रहे हैं, और पुरुष को हटा के महिलाओं का नाम दिया जा रहा है, माताओं का नाम दिया जा रहा है। इसलिए हमारी जितनी भी मातृशक्ति है तो आत्मनिर्भर हो गई, और मुझे पता है कि मुझे बहुत सम्मान इस योगी राज में, मोदी राज में जितना सम्मान मिला किसी सरकार में नहीं मिला है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा पांडे है, मैं राष्ट्रीय मास संपर्क अभियान की सोशल मीडिया जिले में हूँ और मंडल से भी हूँ। मैम, जो विपक्ष है वो इल्ज़ाम लगाता है कि महिलाओं के लिए कोई बड़े कदम योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने नहीं उठाए, और जबकि योगी आदित्यनाथ हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, दोनों इस बात का दावा करते हैं कि बड़े कार्य जो है महिलाओं के लिए किए गए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किए गए, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल सही है, विपक्षी ऐसे ही आवाज़ उठाते हैं। मोदी जी, हमारे योगी जी, आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और महिलाओं के लिए सैकड़ों प्रकार की योजनाएं दी हैं, जिसे महिलाएं खुशी खुशी वो एक्सेप्ट करती हैं, और मोदी योगी जी का पूरी जितनी समर्थन से, फुल समर्थन से परिवार के तरफ अपने मुखिया के तहत उनको मानती हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैम, वंदना गुप्ता, जिला मंत्री हूँ, भाजपा में जिला मंत्री हूँ दक्षिण से। जी, क्या स्थिति भाजपा की आप देख रही हैं इस चुनाव में, क्या आपको नजर आ रही है? आज आप भी यहाँ पर थे और आपको इतना जन सैलाब देख करके तो समझ में आ गया होगा ना कि देश कहाँ जा रहा है, और मतलब कितना देश में हर व्यक्ति खुश है, बच्चे बूढ़े और जवान सब खुश है। और ये हमारे यहाँ ना ये जो मेला चल रहा है, मेला देख इतनी भारी संख्या में सैलाब था कि शायद हम लोग मुंह से कह नहीं सकते, और आप भी सब कुछ आंखों से देख लिया है। ये जो इतना जन सैलाब ने सब कुछ आंखों से बयान कर दिया है, निशब्द है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। मैम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, चाचा भतीजे का गठबंधन भी हो गया है। अरे उनका ये सपना है, सपना जिसके संग बाप ही नहीं है वो बेटा क्या बना पाएगा सरकार। और आपने कहा कि महिलाओं के लिए क्या दिया, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि गांव में जो लोटा लेके बहने जाती थी, सुलभ योजना सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एक ऐसी योजना थी महिलाओं के लिए सम्मानजनक योजना थी, उसका उन्होंने हम लोगों के लिए घर घर सुलभ बनाने का काम किया। और आपने देखा होगा आंखें बहनों की खराब होती थी, समय लगता था खाना बनाने में, उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन्होंने घर घर उज्ज्वला गैस वितरण किया। आप कह रहे महिलाओं के लिए ने क्या किया, महिलाओं के लिए तो सारा कुछ किया उन्होंने। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो भाजपा के जो महिला कार्यकर्ता थी उनका जो कहना है कि महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ हर्ष पांडे, सारा समय।